एनसीआर सोनीपत हरियाणा में गणपति महोत्सव की धूम काफी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और गणपति देवा एक ऐसे पृथ्वी लोक पर देव हैं जिनकी अपने घरों में कोई भी श्रद्धालु पूजा करता है तो प्रथम पूजा श्री गणेश की होती है। देवों के देव महादेव की महिमा अपरंपार है और उनके पुत्र गणेश भी प्रथम पूजनीय हैं। एनसीआर सोनीपत हरियाणा में आप खास यह पूजा देखें। ओम जनकात्मजाय च विद्महे रामप्रियाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपातलाब्धे पुण्यागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोत्थमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर। सुमन सुमन्दित सुमन लया सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पाञ्जलि अर्पण करूं गणपति देव करो स्वीकार। नाना मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि सशक्तिकाभ्याम स्वपरिवाराभ्याम गणपति बप्पा। श्री गणेश उत्सव के दौरान जिस तरह से अभी आपने आरती को सुना और देखा, अब आप महाराष्ट्र से सोनीपत पहुंची इस टीम का रंग भी देखिए जो कि ढोल ताशे कुछ इस तरह से बजाते हैं कि रंगीन माहौल बन जाता है और सब खुशी से झूम उठते हैं। अब आप गणपति उत्सव के दौरान इन श्रद्धालु महिलाओं को भी सुन लीजिए जो काफी खुश नजर आती हैं और गणपति महादेव की कृपा अपने ऊपर मानती हैं। मेरा नाम सपना है, मैं चार वाली गली में रहती हूँ। यहाँ गणपति जी की आरती सुबह शाम होती है और बहुत ही आनंद आता है। हफ्ता दस दिन रौनक लगती है, सारे परिवार वाले खुश होते हैं, बच्चे मोहल्ले वाले हमारे मराठी वगैरह, बहुत आनंद आता है हमें यहाँ पर आके, बहुत ही आनंद आता है। धन्यवाद जी। ये देवों के देव महादेव के सपुत्र हैं और ये विघ्न हर्ता हैं और इनके आने से ही घर में खुशियाँ और रौनक आती है। ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, इनसे ही हमारी जिंदगी है, इन्हीं से सब कुछ संसार है। हरिदास पाटिल एक ऐसा नाम है जो कि मुंबई महाराष्ट्र से सोनीपत में आकर गणपति देव महादेव की आराधना काफी वर्षों से करते हैं और गणपति महोत्सव के दौरान तो खास रूप से बड़े स्तर पर यह आयोजन करते हैं और वह बताते हैं कि जिस तरह से वह यहाँ पर पहले गणपति जी का आराधना करते थे और गणपति महोत्सव मनाते थे तो अब सोनीपत के दर्जनों से भी अधिक स्थानों पर गणपति देव महादेव को नमन किया जाता है और उत्सव से संबंधित मेले अब जगह जगह लग रहे हैं क्योंकि गणपति देव की भी महाशिव की तरह महिमा अपरंपार है और गणपति जी कष्टों को भी हर लेते हैं। अब आप हरिदास पाटिल को भी सुन लीजिए जो कि यहाँ इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। क्या बोलना चाहते हो? मेरा नाम हरिदास पाटिल है और हम पीछे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और ये 31वां साल है जो हम गणपति महोत्सव मना रहे हैं और साल दर साल बहुत ही बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम होता जा रहा है और हमारे महोत्सव को देख के पूरे सोनीपत शहर में गली मोहल्लों में भी जैसे बॉम्बे में पुणे में मनाया जाता है
ऐसे सोनीपत शहर में मनाया जा रहा है और 10 दिन जो गणपति रहते हैं तो बड़ा ही उत्साह का माहौल रहता है, क्योंकि गणपति तो कष्टों को भी हर लेते हैं। गणपति तो देखो हमारे सनातन धर्म में प्रथम पूजनीय है और इन्हीं की शुरुआत से ही सभी देवताओं की पूजा होती है और सभी सबसे पहले गणपति की पूजा होती है, इसीलिए पूरे विश्व में गणपति जी को सनातन धर्म के सभी लोग प्रथम पूजनीय मानते हैं। है श्री गणेश और शिव की महिमा ही है कि श्रद्धालु बिन बुलाए इस तरह के आयोजनों में खींचे चले आते हैं और श्रद्धा व विश्वास है तो मनोकामना भी यहाँ आकर पूर्ण होती है। और गणेश की आरती लोगों को घर में सुख शांति और मन की आत्मा को संतुष्ट करती है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।